मुंबई में आज विपक्ष ने किया बवाल। शिवाजी की मूर्ति गिरने के खिलाफ महाविकास अघाड़ी का प्रदर्शन। उद्धव ठाकरे और शरद पवार समेत कई बड़े नेता हुए शामिल। मुंबई में पहले शख्स की जेब में खुद रखी ड्रग्स, फिर हिरासत में लिया। सीसीटीवी से हुआ पुलिस कर्मियों की करतूत का खुलासा। पत्राचौल जमीन घोटाला मामले में गवाह सुपन्ना पाठक ने ईडी को लिखी चिट्ठी, बताया रेप और जान से मारने की धमकी दी जा रही। देश को जल्द मिल सकती है पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन, मुंबई में भी होगी लॉन्चिंग। हार्बर लाइन पर मानखुर्द और वासी के बीच टूटा ओवरहेड वायर, ट्रेन सेवाएं हुई बाधित। गणेश चतुर्थी को लेकर रेलवे ने दी गुड न्यूज, गणेश चतुर्थी पर चलेगी 342 स्पेशल ट्रेनें। प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात, 3 वंदे भारत ट्रेनों का करेंगे उद्घाटन, 3 राज्यों में चलने जा रही है ट्रेन। प्रधानमंत्री मोदी की माफी में अहंकार की बू, शिवाजी की मूर्ति गिरने को लेकर उद्धव ठाकरे ने साधा निशाना, कहा यह भ्रष्टाचार का है नतीजा। 2.5 लाख से ज्यादा गणेश प्रतिमाएं, 13,000 से ज्यादा पंडाल, गणपति उत्सव के लिए तैयार मुंबई। प्रधानमंत्री मोदी की माफी में अहंकार की बू, शिवाजी की मूर्ति गिरने पर गर्जा महाविकास अघाड़ी, चलाया जूता मारो आंदोलन। शिवाजी मूर्ति गिरने के खिलाफ मुंबई में सड़कों पर उतरा महाविकास अघाड़ी, जूता मारो आंदोलन में शामिल हुए उद्धव ठाकरे और सुप्रिया सुले। महाराष्ट्र में राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, 16 साल पुराना है मामला। महाराष्ट्र में सरकार के खिलाफ विपक्ष का जूता मारो आंदोलन, शरद पवार ने कहा किसी तरह की माफी नहीं। महाराष्ट्र में ट्रेन में गौमांस ले जाने के शक में ट्रेन में बुजुर्ग मुस्लिम यात्री की पिटाई के बाद ने वीडियो जारी किया, मामले में पुलिस आगे की कर रही जांच।